सो व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो अभी मैं बालकनी में आके चाय पी रहा हूँ। एकदम आगरा का मौसम है इस टाइम, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और साथ में पहले बारिश हो रही थी बहुत हल्की, बट अब उतनी तेज़ नहीं हो रही है। अभी तो हवा भी बहुत धीरे हो गई है, वरना पहले तो ये पेड़ पूरा का पूरा पेड़ हिल रहा था ज़ोर ज़ोर से। देखो बादल गरजने की आवाज़ भी आ रही है। अब तो गाइज नाश्ते में मम्मी ने मेरे को भी चीले दिए हैं, चीले और थोड़े से दाल चावल थे, ये खाऊंगा। तो गाइज अभी फ़िलहाल 3 बज रहे हैं और मेरे ट्यूशन की टाइमिंग चेंज हो गई है, 4:45 टू 5:45 हो गया है। तो अभी भैया और मैं पास में एक पूल है हमारे, तो उसके रेट पूछने जा रहे हैं, तो फिलहाल चलते हैं। और अंकल जो हमारे वॉचमैन अंकल हैं उनके लिए खरबूजा लेकर जाना है, मम्मी क्या क्या कही थी। गार्ड अंकल, ये मम्मी ने आपको कहा था देने के लिए। हैं? नहीं अभी तो हम बाहर जा रहे हैं, जब हम वापस आएंगे ना तब आपको ला के देता हूँ चाकू। तो गाइस पूल के रेट पूछने के आने के बाद मैं ट्यूशन के लिए निकल गया। काफ़ी सही मौसम हो रहा था, बड़े मज़े आ रहे थे साइकिल चलाने में, बादलों को देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। एक बार फिर से मौसम देखो कितना प्लीजेंट हो रहा है, मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, एकदम मस्त ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है साथ साथ, साइकिल चलाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है आज मुझे। तो यार गाइस घर वापस आ चुका हूँ और आज बारिश होने की वजह से काफ़ी सही मौसम था, मज़ा आ गया आज साइकिल चलाने में। बट हवा इतनी चल रही थी कि पैरों की वाट लग गई, तेज भी नहीं चल रही थी, स्लो स्लो चल रही थी, टाइम लग गया आने में। थोड़ा रेस्ट करने के बाद गाइस मैंने सबसे पहले दीपक चलाया और उसके बाद फिर खाना खाया। मम्मी शाही लौकी बना के गई थी, बहुत टाइम से मैंने बोल रहा था उनसे बनाने के लिए। फिर भैया के साथ बैठ के कैंपस डायरीज देखी, तभी बखर वापस आ गई घर पे, पापा लेकर आए इसे। कैसी लगी मक्खन? डार्क चॉकलेट, मैं भी यही बोल रहा था शायद, क्या बोली थी? मेरे को तो पसंद है डार्क चॉकलेट, है ना कड़वी वो तो, वो तो बहुत ही अच्छी थी भाई, मैंने आधी खाई है वो। नहीं मैं नहीं खा रहा, तू ही खा, बहुत कड़वी है, मैं खा चुका हूँ इसे, बादामी, मैंने भी बादामी खाया नहीं खा, वो काजू है शायद। अब उसके बाद मुझे याद आया मैं क्लास 12th में हूँ तो पढ़ाई कर लेनी चाहिए, तो पढ़ाई कर रहा था भाई, तभी मुझे आवाज़ आई बहुत तेज़ बारिश की, तो मैं बाहर आके देखने, तो बारिश तो धीरे थी बट हवा बहुत तेज चल रही थी, पेड़ों को देखो कितनी जोर जोर से हिल रहे हैं। मेरे बाल देखो, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मन नहीं कर रहा था जाने का बट बारिश भी गिर रही थी। उसके बाद पापा ने मुझे पैर दबाने के लिए बुला लिया था, एक्चुअली लाइट भी नहीं आ रही थी तो मैं पढ़ भी नहीं सकता था, बालकनी में बैठ के हवा खा रहा था। जला भाई मक्खन, मोमबत्ती, मेरे को क्यों जलाएगी, मोमबत्ती जलाना, ला फोन दे। ओए देख कर ऊपर आ गई, तो मोम पिघल रही है वहां पे। वो मेरे ऊपर ना गिर जाए। अरे नहीं अरे शक्ल देखो इसकी, डरपोक, टेबल पे रख देना मेन। कुछ नहीं हो, रुक जा, गिर तो गई। फिर से फिर लाइट आ गई थी तो मैं फिर से पढ़ने बैठ। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग, गुड मॉर्निंग। तो एक्चुअली रात को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा एडिटिंग करने का, तो मैं पढ़ाई ही कर रहा था और उसके बाद फिर मैं जाके सो गया। अब सोच रहा हूँ चाय बन रही है, चाय पी के फिर उसके बाद एडिटिंग करता हूँ थोड़ा काम करके,
तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। तो आई होप आप लोग को व्लॉग अच्छी लगी होगी। चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर देना, व्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं अगली व्लॉग में, बाय बाय।